दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईटेल टीवी सीरीज के बारे में। और अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो तो ये ब्रांड क्या है इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। इसकी टीवी सीरीज आज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ ही साथ अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है तो कुछ डील्स हमें पता चली है जो मैं आपको बताऊंगा और वो आप डील का फायदा उठाइए और अपने पैसे बचाइए। तो सब कुछ होने वाला है धमाल और कमाल इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टकना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देखो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फायदे की। तो कुछ डील्स यहाँ पे अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के आ चुके हैं जो हमें पता है। तो बात करें यहाँ पे स्मार्ट टीवीज में आपको क्या क्या ऑफर्स और डील्स देखने मिलने वाले, तो अभी तक जो सैमसंग सेरिफ टीवी है क्यूलेट टीवी वो आपको मिल जाएगी 65,000 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि उसकी जो प्राइस थी 1 लाख के ऊपर थी। लेकिन आपको ये अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपको 65,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी। दूसरी टीवी है UM7290, बहुत ही बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त है इस टीवी की। और ये टीवी को इसकी जो डील प्राइस है 49,000 रुपीज़ समथिंग है, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है इस टीवी में भी। और इसी के साथ ही रियलमी की जो टीवी है वो एक्चुअल उसका प्राइस कुछ 40,000 एंड अबव है, लेकिन आपको 39,000 रुपीज समथिंग में आपको ये टीवी मिल जाएगी। तो ये टीवी की जो डील्स है इस समय लीक आउट हुए अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में अभी तक, और सभी की बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो और वहां से आप परचेस भी कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ कुछ फोन्स पे भी ऑफर है, जहां पे आईफोन 11 का जो प्राइस 65,000 और 70,000 के आसपास था स्टार्टिंग में पिछले साल, लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज में आपको आईफोन का फोन ले सकते हो। और इसी के साथ ही कुछ स्मार्ट वॉचेस और कुछ अप्लाइसेंस पे भी बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो सभी की जो ऑफर्स के जो लिंक है उसकी बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए और पूरा का पूरा इस्तेमाल कर कीजिए और अपने पैसे बचाइए। और अगर आप सीरियसली प्लान कर रहे हो कुछ भी लेने का तो ये राइट टाइम है ये सभी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आईटेल टीवी सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये ब्रांड के बारे में। तो ये आईटेल जो ब्रांड है मोबाइल फ़ोन के लिए काफ़ी पॉपुलर है, अंडर 5,000 वाले फ़ोन बहुत ही अच्छे बनाता है और काफ़ी अच्छे फ़ोन्स इसने सेल किए हैं इंडियन मार्केट में। और ये एक मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में तो काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट इसका चला ही था, और अब पहली बार यहाँ पे उसने टीवी सेगमेंट में एंट्री की है आज। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे ये एक सब ब्रांड है, ट्रांसिशन एक ब्रांड है, और ये जो दोनों ब्रांड है चाइनीज ब्रांड है, ये इंडियन ब्रांड नहीं है। तो ये बातें हो गई ब्रांड के बारे में। और अब यहाँ पे बात करते हैं इसके टीवी सीरीज़ के बारे में। तो ये आईटेल टीवी सीरीज़ में आपको तीन सीरीज़ है, जहाँ पे एक आई सीरीज़ है, ए सीरीज़ है और सी सीरीज़ है। और यहाँ पे बात करें आई सीरीज़ में तो यहाँ पे आपको चार वेरिएंट्स देखने मिलने वाले हैं। एक होगा 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी टीवी, 43 इंच का 4K अल्ट्रा टीवी, और जो दो वेरिएंट है 32 और 43 इंच के वो होने वाले एचडी और फुल एचडी वेरिएंट्स। और बात कर लें यहाँ पे आई सीरीज़ के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और इसी के साथ ही साथ बात करें ब्राइटनेस निट्स और कॉन्ट्रास्ट रेशियो के बारे में, तो ये टीवी में 320 निट्स का ब्राइटनेस निट्स दिया गया है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करें तो 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिया गया है इस टीवी में। इसी के साथ ही साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है, डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करती है ये टीवी। और बात करें यहाँ पे टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ये टीवी आती है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन ये सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी नहीं है, ये ओपन सोर्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली ये टीवी है। और यहाँ पे बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो 1.5 GB का रैम दिया गया है और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जो कि बहुत ही कम है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज कम है, तो वो एक माइनस पॉइंट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरनल स्टोरेज कम है तो आप वो पेन ड्राइव से एनहांस कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जब ये टीवी एंड्रॉइड सर्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन इस टीवी का नहीं हुआ है, तो जितने भी Amazon Prime और Netflix पे आप कंटेंट देखोगे उसका जो रेजोल्यूशन होगा 480p पे ही देख पाओगे, उससे ज़्यादा आपको रेजोल्यूशन पे आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस टीवी का वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ही मेजर पॉइंट है और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है इस टीवी के बारे में। बात
बात करें इस टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो ये टीवी में लगाया है कॉर्टेक्स का A53 क्वाड कोर प्रोसेसर, और जो क्लॉक स्पीड दी गई है 1 GHz की दी गई है। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो यहाँ पे जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर है वो आपको इस टीवी में प्रीइंस्टॉल देखने मिल जाएंगे और सभी के सभी प्रॉपरली चलने वाले हैं इस टीवी में। और बात कर ले यहाँ पे टीवी के डिज़ाइन और लुक्स के बारे में, तो जो 4K वेरिएंट्स के जो लुक्स और डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे आपको मेटल की बॉडी दी गई है जो कि बहुत अच्छी बात होगी और मेजर हाईलाइट होगी इस टीवी की। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे इनबिल्ट स्टेबलाइजर भी लगाया गया है, जैसे वोल्टेज का कुछ भी अप एंड डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो ये टीवी मैनेज कर लेगी और आपका टीवी जो है डैमेज नहीं होगा। और बात करें इस टीवी के स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको आईटिल कास्ट का फीचर दिया गया है जिसके थ्रू आप मोबाइल का कंटेंट टीवी पे देख सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई इस टीवी के बारे में। और बात करें अब इस टीवी के प्राइसिंग के बारे में, जो बहुत ही एग्रेसिव रखी गई है एज इफ नाउ, और शायद आगे बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी जो प्राइसिंग रखी गई है 55 इंच की 34,450 समथिंग है, तो प्राइसिंग बहुत ही बढ़िया है। और बाकी जो वेरिएंट्स की प्राइस है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ ही साथ बात करें इसके और भी सीरीज़ के बारे में, जहाँ पे ए सीरीज़ है और सी सीरीज़ है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएंट दिया गया है जो एक है 32 इंच का HD रेडी दोनों ही सीरीज़ में, और साउंड आउटपुट वहाँ पे अलग अलग दिया गया है, जहाँ पे आपको ए सीरीज़ में साउंड आउटपुट देखने मिलेगा 16 वॉट का, और जो सी सीरीज है वहाँ पे दिया गया है 20 वॉट का साउंड आउटपुट। और वो इंटरनेट टीवी है, उसमें कुछ ऐप्स आपको प्रीइंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ जो लुक्स और डिज़ाइन है इसका थोड़ा सा मतलब बेजल वगैरह आपको मीडियम साइज़ के देखने मिल जाएंगे ए सीरीज और सी सीरीज़ में। तो यही सारी डिटेल्स अभी तक अनाउंस की गई है आईटेल ब्रांड की तरफ से। और बात करें अब इस टीवी को आप कैसे खरीद सकते हो, तो यहाँ पे ये टीवी ना ही अमेज़ॉन पे बिकने वाली है, ना ही फ्लिपकार्ट पे बिकने वाली है, ना ही ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखने बिकने वाली। आपको अगर ये टीवी परचेस करनी होगी तो फिर आपको जाना होगा ऑफलाइन स्टोर में ही। तो ये सारी डिटेल्स थी इस टीवी के बारे में। और अब यहां पे मैं बात करूं मेरे रिकमेंडेशन और कि आपको क्या ये टीवी लेनी चाहिए या नहीं, तो यहां पे मैं कहूंगा कि भाई यहां पे मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, अभी तक मैंने ये टीवी देखी नहीं क्योंकि ये कल ही लॉन्च हुई है, तो जब तक मैं टीवी देखूंगा नहीं, पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, लाइव हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं करूंगा, उसके पहले मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप ये टीवी लेने का प्लान करो तो आप खुद अच्छे से चेकआउट कीजिए, मैंने जो भी उसके प्लस माइनस जो भी पॉइंट्स है सब कुछ बता दिए, बाकी आपका डिसीजन होगा इस टीवी के बारे में। तो बाकी आपका क्या मानना है सब कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में, सवाल सुझाव राय हो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मत भूलिए अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया ऑफर्स आने वाले हैं और मार्केट में तो हवा मचा ही दिया लोगों ने। तो बस इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।